हेलो फ्रेंड्स, एमएस इलेक्ट्रिक कोर्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाले हैं सेलिंग फैन के विषय में। ये ओरिएंट कंपनी का है और ये, चलिए इसको लाइट देके चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लाइट दे दिए हैं और लाइट देने के बाद ये फ़ैन नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको पहले हम लोग मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे और हम लोगों के पास यहाँ पर सीढ़ियों का व्यवस्था है तो ऊपर ही इसको हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं इसमें दिक्कत क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कॉयल और सब चेक कर लेंगे। तीनों कॉयल हम लोग का, दोनों कॉयल अच्छा से बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें तीनों वायर निकला हुआ है, तीनों वायर को अच्छा से इसको चेक कर लेंगे क्योंकि डिफ्लेक्शन में बताना चाहिए, रीडिंग आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर एक भी कॉयल नहीं बताएगा तो इस मुझे कि नहीं चल पाएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम लोग चेक कर लिए हैं और इस कॉइल जो है, एक कॉइल नहीं बता रहा है और कॉइल सही है। तो फ्रेंड्स, एक कॉइल सही है, एक कॉइल सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसको फैन को पहले हम लोग खोल लेते हैं और खोल के इसको नीचे ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम लोग आज इसको आसानी से उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का जो रेड और ब्लू जो वायर है, हम लोग का नहीं बता रहा है। ब्लू हम लोग का नहीं बता रहा है, वाइट और येलो को बता रहा है। यानी हम लोग का ब्लू जो कॉइल का सप्लाई है वो हम लोग का नहीं बता रहा है। यानी हम लोग का एक कॉइल इसमें नहीं बता रहा है, यानी तो एक कॉइल हम लोग का एक ख़राब है। तो फ्रेंड्स, जो ये इसको खोल लेते हैं, जो ब्लेड है, ब्लेड को पहले इसको निकाल लेंगे। देख सकते हैं पूरा ब्लेड निकाल लिए हैं और फैन को भी इसको निकाल लेंगे अच्छा से। पूरा स्क्रू खोल लेते हैं और जो देख सकते हैं वायर जो है, वायर ये वन बाई वन करके या कोई भी वायर बांध के इसको निकाल लेंगे क्योंकि खोलने समय पे वायर कट जाएगा। इसकी वजह से पूरा ऊपर में कर लेंगे सर। जैसे देख सकते हैं वन बाई वन इसको आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग वायर पहले निकाल लेंगे। देख सकते हैं ये हम लोग का वायर निकल गया है और इसको, क्योंकि ये फैन ज़्यादा टाइट रहता है तो हम लोग वायर उसमें डाल के, और कोई भी पक्का है थोड़ा ठोकेंगे तो फटाक दे वो निकल जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं लूज हो गया है और आसानी से निकल जाएगा, तो वायर वो देख के ही निकलना चाहिए। देख सकते हैं हम लोग को खुल गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हम लोग का ऐसे देखने के लिए कॉइल ऊपर से लग रहा है कि अच्छा है। तो फ्रेंड्स, चलिए नीचे का भी शायद देखते हैं वहाँ पे अपने, यहाँ पे एक भी वायर जल जाएगा या एक भी जगह से जल जाएगा तो कॉइल हम लोग को नहीं बताएगा। तो इसलिए ये देख सकते हैं जो स्टार्टर है, साइड साइड से देख सकते हैं। तो ये हम लोग का एक कॉइल जो बाहर वाला है, ये हम लोग का खराब है। देख सकते हैं कहीं कहीं यह जल गया है और कहीं कहीं ये कटा भी है। और तो इसलिए फिर देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कॉइल के ऊपर ऐसे हो गया है। तो फिर इसको निकाल लेते हैं और बाहर रख देते हैं। तो फिर देख सकते हैं जो हम लोग का स्टार्टर है पूरा, ये देख सकते हैं एक बार और इसको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग पूरा ये कॉइल जो है, ये पूरा हीट हो गया है और जल गया है, इसलिए हम लोग का कॉइल नहीं बता रहा था। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग नया जो हम लोग के पास स्टार्टर है, नया यहाँ पे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं सिम हम लोग का और सोलो स्लॉट का है ये। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये स्टार्टर थोड़ा जो हम लोग का ये स्लॉट है, ये सोलो स्लॉट का है। तो फ्रेंड्स, ऐसे इसको लगा देंगे और स्प्रिंग ज़रूर लगाएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग लगा के और अच्छे से इसको लगा दिए हैं। उसके बाद ये जो हम लोग का लगाने से पहले हम लोग इसका जो भी नया स्टार्टर है उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं है। तो फिर देख सकते हैं हम लोग का ये 200 कुछ बता रहा है, एक में देख सकते हैं यहाँ पे 400 कुछ बताया है। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ 400 बता रहा है और वाइट और रेड पर चेक करें तो 180 बता रहा है और 222 बता रहे हैं। तो फिर देख सकते हैं इसमें जो हम लोग का तीन दोनों कॉइल हम लोग का सही है। और फिर इसमें बताने वाले हम आपको कि
कैसे इसमें हम लोग कामन निकाल लेंगे, कौन सा कामन है, कौन सा रन का है, कौन सा स्टार्ट का है। तो फ्रेंड्स ऐसे हम लोग कैसे आसानी से तीन वायर में से कैसे पहचानेंगे कौन सा रनिंग का है, कौन सा स्टार्ट का है। तो ये हम कनेक्शन करने के समय तो बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग देख सकते हैं आसानी से बैठ गया है, और इसको आसानी से इसको हम लोग जो हम लोग का मैग्नेट है इसको अच्छा से सीधा और करके और बराबर परफेक्ट बैठना चाहिए, नहीं तो इसको अच्छा से बैठा देते हैं। और उसके बाद जो कवर है, कवर जो ऊपर बढ़ी है उसको अच्छा से इसको भी लगा देते हैं, और उसके बाद अच्छा से मिला लेंगे और मिला के इसको टाइट कर देंगे। देख सकते हैं हम लोग का मिल गया है, और स्क्रू ऐसे पूरा टाइट कर देंगे, अच्छा से इसको टाइट करेंगे क्योंकि टाइट होना चाहिए, लूज नहीं करेंगे क्योंकि परफेक्ट बराबर इसको टाइट होना चाहिए और एप्पल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग का जो स्टार्टर है जाम होने लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आपको इसमें बता देंगे कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्ट का है। तो फिर पहले हम लोग ब्लू और रेड पे चेक करेंगे तो 407 बता रहे हैं, और रेड और वाइट पे चेक करेंगे तो 179.78 बता रहा है। तो फिर देख सकते हैं इसमें, और उसके बाद हम लोग ब्लू और वाइट भी चेक करेंगे तो 227 बता रहा है, और ब्लू और रेड पे चेक करें तो 400 बता रहा है। तो फिर देख सकते हैं जो हम लोग जो अपोजिट बताएगा तो वो हम लोग का कॉमन है, चार ज़्यादा बताएगा तो। तो फिर देख सकते हो वाइट और हम लोग का ये रेड पे 178 बता रहा है। तो फिर जो हम लोग का जो रेड है, जो रेड है वो स्टार्ट का हो गया, और जो ब्लू है ये हम लोग का रनिंग का हो गया, क्योंकि रेड पे 178 बता रहा था और ब्लू पे 222 बता रहा था। तो फिर हम लोग का ब्लू जो है रनिंग का है, और वाइट जो है वाइट जो है वो हम लोग का कॉमन है। तो फ्रेंड इस पर हम लोग जो ब्लू और रेड पे चेक कर रहे थे तो इतना बता रहा था, 400 कुछ बता रहा था। तो फ्रेंड जो हम लोग का ज़्यादा टर्न ज़्यादा, अगर वो जिसमें ज़्यादा टर्न होगा उसका ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन बताएगा, तो इसलिए हम लोग का ज़्यादा उस पर बता रहा था, तो हम लोग का 400 बता रहा था, तो वो हम लोग का कॉमन है। और जो 178 जो बता रहा है वो हम लोग का स्टार्ट का हो गया, जो ब्लू है वो हम लोग का रनिंग का हो गया, और वाइट जो है वो हम लोग का कॉमन हो गया। तो फ्रेंड्स इसको कनेक्टर में अच्छा से इसको लगा देंगे, तो फिर देख सकते हैं ऐसे हम लोग का कनेक्शन आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत